गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 3 डेन्यूडेशन में आज इरोजन पढ़ेंगे, अपरदन और फ्लोइंग वाटर प्रवाही जल के बारे में जानेंगे। इरोजन होता क्या है? जब चट्टाने अपक्षय द्वारा यानी कि वैदरिंग द्वारा जब टूट जाती हैं तो बहता हुआ जल, नदी, सागर की लहरें और गतिशील जो बर्फ होती है यानी कि हिमानी ग्लेशियर, पवन आदि टूटे हुए और स्वयं काटे हुए पदार्थों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं। इस क्रिया को ही इरोजन या अपरदन कहा जाता है। इसमें कटाव, बहाव और जमाव की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा कि जब बरसात के दिनों में वर्षा अधिक हो जाती है तो वर्षा का जल अपने साथ पृथ्वी की ऊपरी सतह के कुछ हिस्से को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर इकट्ठा कर देता है। यह अपरदन की ही क्रिया कहलाती है। अपरदन मानवीय क्रियाओं द्वारा भी होता है। ये कैसे होता है ये जानेंगे। गांव, कस्बों, नगरों, जैसे जैसे विकास होता है इन सब का, तो भवनों या सड़कों के निर्माण के लिए जमीन से जो वनस्पति वेजिटेशन होती है उसे साफ कर दिया जाता है। इससे भूमि की जो ऊपरी सतह होती है उसकी मिट्टी बह जाती है। यह क्रिया भी इरोजन कहलाती है। वर्षा का जल, भूमिगत जल, नदी, पवन, हिमानी, सागरीय लहरें चट्टानों को कुरेद कर उन्हें कैसे अपरदित करती है यह हम आप आगे जानेंगे। जैसे फ्लोइंग वाटर यानी कि प्रवाहित जल, जल का बहता रूप नदी या सरिता कहलाता है। नदी का अपरदन कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। नदी का अपरदन कार्य नदी के ढाल, जल की मात्रा और वेग पर निर्भर करता है। नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा कर देती है। इससे अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसे वी आकार की घाटी भी कहते हैं। गौज वी आकार की गहरी वह सकरी घाटी के रूप में होते हैं। भारत में हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियों के गौज दर्शनीय हैं। इस प्रकार जो बहता हुआ जल होता है वो हमारा इस प्रकार इरोजन करता है। अब हम कल पढ़ेंगे वाटरफॉल के बारे में।